दृश्यम टू फिल्म को थिएटर हॉल में रिलीज हुए बस 12 दिन हुआ है। ये मूवी थिएटर हॉल में रिलीज हुई थी 18 नवंबर 2022 को, जो ऑलरेडी एक रीमेक मूवी है मलयालम स्टार मोहनलाल के दृश्यम टू का। ये मूवी में मेन कास्ट है अजय देवगन, श्रिया शरण, ताबू, अक्षय खन्ना, और ये मूवी तो जबरदस्त चल रही है थिएटर हॉल में। भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब ये मूवी का बजट बस 50 करोड़ है और ये मूवी इसको क्रॉस करके डबल से भी डबल बन गई है। तो पहले दिन का मैं अगर पकड़ के चलूँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 15 करोड़, अप्रॉक्स 15 करोड़ था। फिर डे टू में था वीकेंड में, शनिवार रविवार को तो थोड़ा ज़्यादा हुआ, 2537 का अकड़े में गया ये। ऐसा चलते चलते उसको फिर 2 और वीकेंड मिले और ऐसे करते करते डे 12 में उसका करेंटली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी का है 149 करोड़, 149 करोड़ अप्रॉक्स। तो दृश्यम 2 के हाथ में और 2 हफ्ता है अवतार को रिलीज होते हुए, तो अवतार जब आएगी सब पूरी हॉल से, दृश्यम तो चली जाएगी लगभग सभी हॉल से। और ये मूवी का डे 11, सिर्फ डे 11 का कलेक्शन का पकड़ू तो फिर उस दिन का कलेक्शन था 5.5 से 5.5 करोड़ अप्रॉक्स। तो बस 50 करोड़ की ये मूवी इतना कमा रही है हर एक दिन। तो ये मूवी 200 करोड़ के अखड़े में जाएगी या नहीं, ये आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तो मेरे हिसाब से तो जा सकती है। तो ऑपोजिट में टक्कर में भेड़िया, लेकिन भेड़िया उतना अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर रही है ओरिजिनल स्टोरी होके हुए भी। तो आप लोगों को क्या लगता है, दृश्यम 2 क्या धीरे धीरे नीचे फॉल कर जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, या फिर और भी बम्पर हिट देने वाली है ये मूवी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।